आए दिन हतीन विधानसभा में बदल रहा है चुनावी माहौल। शानदार नेता है, सच्चो नेता है, रावत पाल को बच्चा है। प्रत्याशी लगातार कर रहे हैं मतदाताओं से जनसंपर्क, एक एक मतदाता को साधने का किया जा रहा है प्रयास। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हतीन विधानसभा के गांव स्वामिका, टीकरी ब्राह्मण, रतिपुर, जोधपुर, छायसा सहित विभिन्न गांवों में भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत और सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र विधूड़ी द्वारा जनसंपर्क किया गया। एक एक मतदाता से संपर्क किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने अपने नेता का फूल मालाओं व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और हतीन की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हतीन से भाजपा को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव हतीन के लिए ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि हतीन विधानसभा के चहुंमुखी विकास के लिए भाजपा का जीतना बेहद जरूरी है। लगातार आप देखते जा रहे हो भारतीय जनता पार्टी कुलवा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा आज पूर्व सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी से पहले नाराज थे, आज भारतीय जनता पार्टी दोबारा से ज्वाइन की है। अब गांव स्वामी गांव में कोई भी ऐसा नहीं है, जन बच्चा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर वोटर है। आपके सामने है सारे पक्ष आपस के मतभेद भूल के पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सहयोग मिल रहा है, सबका योगदान मिल रहा है, युवाओं का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और इतना प्यार है, इतना भाईचारा है। सभी छत्तीसगढ़ी से प्रार्थना, मेरे साथ मेरे युवा भाई बड़े बुजुर्ग लगे हुए हैं, ऐसे अपना प्यार बनाए रहे, ऐसे कारवा बढ़ता जाएगा। हतीन में सिर्फ एक ही एक निशान दिखेगा, कमल का फूल इच्छा हुआ है, लेकिन मनोबल इतना बढ़ा रखा है, मतलब ये मेरे जोश को ठंडा नहीं होने देते जितना प्यार। हाँ देखो जी, पूरी उम्मीद है ऊपर वाला करने वाला। ये जो जनता है ना, ये जनता जनार्दन, ये भगवान स्वरूप ही है। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र विधूड़ी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हतीन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान तीसरी बार देश में भाजपा सरकार बनाने में अपना योगदान दिया था और अब हरियाणा में भी भाजपा की सरकार हैट्रिक लगाएगी। इसके लिए हतीन तैयार है और मनोज रावत के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है। छत्तीस बरादरी में कितने जोश के साथ ये लोग स्वागत कर रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के और मनोज रावत जी के जैसे नारे लग रहे हैं। पूरा गांव का युवा, बुजुर्ग और पूरी छत्तीस बरादरी, पूरे इलाके के लोग साथ हैं और निश्चित तौर पे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार की 100% जीत होगी। ऐसा माहौल है बीजेपी कैंडिडेट मनोज रावत का, आप देख रहे हो कितना भव्य स्वागत हो रहा है डीजे से, ढोल बाजों से। आप खुद नहीं, उनका कोई वोट बैंक नहीं है, केवल वो वोट काटू हैं, वो जल के खड़े हुए हैं। मैं एक एक को गिना सकता हूं आपको, जो रविंद्र सहरावत जो जेजेपी का जो प्रत्याशी है, वो पहले बीजेपी का वो था, जिला उपाध्यक्ष था, वो टिकट ना मिलने के कारण एक ऐसी टिकट ले आया जिसका कोई वजूद ही नहीं हरियाणा में। दूसरा जो कर्नल राजेंद्र सिंह रावत है कैंडिडेट है, उसका भी कोई वजूद नहीं है, वो चार अंकों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगा। शानदार नेता है, सच्चो नेता है, रावत पाल को बच्चा है, बेटी बेटा है रावत पाल को, हान मान सारे राखा को, तो रावत पाल को बच्चा राखा को, किसी के ये बेकार में बता दिए हिंदू धर्म के सच्चे हुए तो यहाँ लगा लियो, हिंदू को धर्म बता में तो यू लड़का बचा में और इकाई के बस की जाए।